अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी योर होस्ट मलाइका अली लाइव फ्रॉम द रेड कारपेट ऑफ दुनिया सॉन्ग। आज यहाँ पर शायरा रॉय का गाना रिलीज होने जा रहा है। फाइनली आज यहाँ पर होने जा रही है ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंसेज जो कि शायरा रॉय करेंगी। उन्होंने बहुत अच्छे गानों पे परफॉर्मेंस देनी है, बहुत अच्छे सिंगर्स वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो आप लोगों को बताती चलूँ कि आज एक छत के नीचे सेलिब्रिटी गेस्ट इकट्ठे हो रहे हैं, सिंगर्स इकट्ठे हो रहे हैं, टिकटॉकर्स इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लॉगर्स इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज मैं इन सब लोगों से मुलाकात भी करूँगी और आप तमाम दोस्तों की भी मुलाकात करवाऊँगी। आज मैं एक ऐसे इंसान के साथ मौजूद हूँ जो हमेशा लोगों का इंटरव्यू लेते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने आज कभी इनका इंटरव्यू लिया हो। तो आज मैं इनसे बात करने जा रही हूँ जो कि आप हमेशा मुख्तलिफ चैनल्स में देखते रहते हैं। उनको मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और आज वो भी आज इस लॉन्चिंग में शामिल है। तो उनसे पूछते हैं कि वो इस सॉन्ग के हवाले से क्या बात करते हैं। थैंक यू मलाइका, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कोरोना के बाद ये एक ताज़ा हवा का झोंका है कि आप ये देखिए कि लोग पूरी कौम जो खुशियों को तरसी हुई थी, आज इस सॉन्ग की लॉन्चिंग में देखकर बहुत खुशी हुई। इतने बड़े बड़े लेजेंड जो हैं यहाँ पर आए हैं, शोबिज़ के तमाम लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, पूरा मीडिया जो है शोबिज़ का यहाँ पर मौजूद है और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। अला करें कि इस तरह के जो सिलसिले हैं वो चलते रहें और हमारा जो ये मुल्क जिसको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, इस कल्चरल एक्टिविटीज़ की, अल्लाह करे कि और भी लोग जो हैं इस मैदान में आएँ और आगे बढ़ें। और ख़ास तौर पर मैं शायरा राय जो ट्रांसजेंडर हैं, पहली ट्रांसजेंडर गुलकारा हैं, ये भी एक बहुत अच्छा जो है सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ है कि पहले पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होता था। जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें उनका हक जो है वो नहीं दिया जाता था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायरा राय ने आगे बढ़ कर अपना हक जो है वो खुद हासिल किया है और इसी तरह वो गाती रहें और लोगों में खुशियाँ बखेरती रहें। बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है और बहुत अच्छा लगा कि ये भी आज उनको बेस्ट विशेस देने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया शकील साहब। ओके जी, तो आज अभी इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे लेजेंड, एक ऐसे इंसान, एक अजीम हस्ती जो जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ा नाम बनाया, जिनका पाकिस्तान में इतना नाम है कि उनका जैसे ही कोई देखता है उनको वो फौरन पहचान जाता है कि ये हमारे लेजेंड हैं, हमारे बहुत अच्छे, हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है राशिद महमूद साहब। तो आज हम उनसे भी पूछेंगे कि आज इस प्रीमियर में, इस लॉन्च में उनकी आज क्या फीलिंग्स है, वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम करते हैं, आज आप यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि शायरा रॉय का आज सॉन्ग जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, तो आपकी उनके बारे में क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट जो है इसमें सिर्फ वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ऑन पॉट इसको बॉदर नहीं करते। उसकी स्किल जो है, उसकी आउटपुट जो है, वो जो करके दिखा रहा है, वो अगर आपके लिए व्यूज़ के लिए कन्विंसिंग है तो वो अपने उस काम में सबसे बेहतर है। इसका शायरा का पहला जो सॉन्ग था कमली, इस कदर आला, इस कदर पजीराई मिली उसको इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं तो उसकी इस स्किल के मद्दाहों में से हूँ। मेरा आना जो है वो एक तो ब्लेसिंग है कि जो भी काम कर रहा है, मैं इस मुल्क में नए जितने भी आने वाले हैं उन सब के मोस्टली आप देखती हैं मुझे, वो अपने इवेंट्स में भी बुलाते हैं और बड़े तरद्दुद से बुलाते हैं, तो मैं ब्लेसिंग के लिए वहाँ जाता हूँ और जो अच्छा है उसके उस स्किल को जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मुझे यकीन है जो आज का उसका गाना है दुनिया, तो इस दुनिया को उसने बड़ा वाइड एंगल शूट किया होगा। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आज कोई, जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म का प्रीमियर चल रहा होता है, तो आपकी भी यकीनन ऐसी फीलिंग ही होगी कि जैसे कोई फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा है और तमाम यहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट आएंगे, तो आपका भी यही कहना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको भी? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। शोबिज़ जो है ना, उसका रिवाइवल जो है वो सिर्फ एक आध गिमिक से नहीं होगा, उसके लिए मुख्तलिफ तलाक इवेंट्स हैं जो हमें करने, हम सबको उसमें पार्टिसिपेट करना। और बींग ए पाकिस्तानी, अपनी इंडस्ट्री जो है वो चाहे गाने के हवाले से है, फिल्म के हवाले से है, ड्रामे के हवाले से, हमें उसे ही सपोर्ट करना है
और उसे ही प्रमोट करना है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आज फिर शायरा के लिए, और मुझे यकीन है कि आज भी उसका ये जो हम गाना देखेंगे ये बहुत अच्छा होगा। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा लगा। राशिद महमूद साहब ने बहुत सारी विशेज दी हैं और अल्लाह करे इसी तरह सक्सेस पाए। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब जी। तो आज पाकिस्तान के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, सुहेल अफंदी साहब। तो आज मैं उनसे पूछती हूँ कि आज वो भी इस इवेंट में शामिल है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो वो इस सॉन्ग लॉन्चिंग के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि अब ये सिनेमा शुरू है, लोगों में मूवमेंट आया है, इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा फॉल देखा है, सारी दुनिया ने देखा लेकिन इंडस्ट्री ने बहुत देखा है। और इसमें जो ये यंग टैलेंट है जहाज़ेब और ये मेहनत कर रहे हैं और एक चीज़ बना रहे हैं और पाकिस्तान में दोबारा रौनकें आ रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा है। और ये सॉन्ग देखने के बाद मैं इसकी तारीफ करूँगा। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये सॉन्ग प्रॉपर एक पूरी फिल्म है, 6 मिनट्स की एक पूरी फिल्म है। जब आप लोग इसको देखेंगे तो यकीनन आपको ऐसा लगेगा कि हमने एक फिल्म देखी है। तो आप इस ट्रेंड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत कम ऐसा हुआ है कि फिल्म की होती थी, प्रीमियर होता था, तो ये एक सॉन्ग है, इस बारे में आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आने वाला नया टैलेंट है आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स होते हैं और सॉन्ग्स के अंदर वो मोटाजिस को ही सारा ख़त्म कर देते हैं। अगर कोई स्टोरी बोर्ड के साथ सॉन्ग लेकर आता है तो ये बड़ा कमाल है उसका, उसकी मेहनत है, स्टोरी बोर्ड है, और स्टोरी बोर्ड पे एक सॉन्ग में आप ये समझे कि एक कुजे में दरिया बंद करने वाली था। जबर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बात की और साथ में उनकी सपोर्ट के लिए आए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं चीफ गेस्ट ऑफ द इवेंट अली बाबा, अब मैं उनसे पूछती हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम जी। आज शायरा रॉय और काशिफ अली का सॉन्ग जो है वो रिलीज़ होने जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया सबसे पहले, और यंग जनरेशन हमारे मुल्क में इतनी जो ये कोरोना की वजह से काफ़ी बुरान आया है, और ये यंग जनरेशन बहुत हिम्मत कर रही है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने ये गाना लॉन्च किया है, और मुझे यकीन है कि ये कामयाब होगा और इंशाल्लाह बहुत हिट होएगा और चांद चांद लगेंगे इसके, ठीक है, और इंशाल्लाह जापान में भी इसको हम प्रमोट करेंगे। जी जी, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप जानते हैं कि आज के इस इवेंट में हमारे साथ बॉलीवुड की माधुरी दीक्षित भी लाइव आने जा रही है, क्या इस बारे में आप जानते हैं? हाँ, मैंने सुना था कि वो आ रही हैं, और बड़ी खुशी है अगर उनका लाइव देखेंगे करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी राय का इजहार किया, बहुत अच्छा लगा कि आज इस इवेंट में आप भी मौजूद हैं, शामिल हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। तो इस वक्त मैं जिनके साथ मौजूद हूँ, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे डिज़ाइनर जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा अपना नाम बनाया, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा फेमस उस्मान गौरी साहब, आज मैं उनसे पूछती हूँ कि इस इवेंट में वो आए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं इस इवेंट के हवाले से और इसकी सारी डिटेल्स, जो कि मैं चाहती हूँ कि आप ख़ुद बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। जी डिटेल यही है कि काशिफ अली बाबर है, इसमें सिंगर हैं, और शायरा राय भी सिंगर हैं, और हीरो हीरोइन भी हैं वो, और अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। बड़ी मेहनत की है शायरा ने भी, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो स्पेशली तो मैं कहता हूँ शायरा को अवार्ड मिलना चाहिए, जिन्होंने बड़ी इतनी मेहनत की है साथ, हर बंदे के साथ उन्होंने काम किया है, बड़ी मेहनत के साथ, बल्कि हर बंदे से काम करवाया उन्होंने। हाँ जी, तो इसमें जहाज़ेब यूजी जो है वो मेरा बेटा है, जहाज़ेब यूजी जो डायरेक्टर हैं, और एडिटर जो है वो शुजा यूजी हैं। तो मैं यही पूछने लगी थी कि सनी यूजी के बारे में मैं पूछना चाह रही थी कि वो कौन है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे वैसे भी बता दिया और हमारे देखने वालों को भी बताया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आज उन्होंने ट्रेंड सेट किया है शायरा रॉय ने, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि हमारी फिल्म्स के प्रीमियर्स होते हैं तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, आज एक ऐसा सॉन्ग रिलीज़ होने जा रहा है जिसके बारे में लोगों ने एक एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि जो ट्रेंड सेट किया है शायरा रॉय ने, क्या ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा, लोग इसको लेके चलेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर चलेंगे, क्योंकि वो बहुत मोहब्बत प्यार वाली बंदी है, वो सब लोगों से काम करवाना जानती है कि कैसे होता है काम। उनका पहला सॉन्ग जो कमली था वो भी सुपर हिट गया है, बहुत अच्छा गया। हाँ जी, जो कि वो सनी यूजी डायरेक्टर थे, वो मेरे बड़े बेटे हैं जो इस वक्त दुबई में है,
तो ये छोटा बेटा है जहाँ से पीओ जी, तो बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत सी रातों से जाग जाग के उन्होंने ये काम किया है, तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी हासिल करे, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, इसके बड़ी उम्मीदें हैं इस सॉन्ग के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपनी राय का इजहार किया, बहुत अच्छा लगा। स्पेशल ये जापान से आए हैं अली बाबा, जो जापान से आए हैं चीफ गेस्ट हैं हमारे, तो इन्होंने तो महफिल में चार चांद लगा दिए हैं, तमाम लोग तमाम मीडिया इनको देख रहा है और सुन भी रहा है कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे भी मैंने बातचीत की है, थोड़ी सी ज़रा कम इन्होंने बात की है लेकिन मैंने फिर भी कुछ ना कुछ इनसे सुन लिया है, तो बेहद शुक्रिया सर आपका, प्लीज़ आप इवेंट को इंजॉय करें, थैंक यू सो मच जी। तो अब मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने टिकटॉक में बड़ा नाम बनाया अपना, जो हर वक्त सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं, जो भी उनको देखता है हर महफिल में वो बहुत ही खुश होता है, हर एक ही दोस्त है, मेरी तो बहुत प्यारी दोस्त है और बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आजकल तो मॉडलिंग भी कर रही हैं, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ जीनत का नाम, कि जीनत भी मेरे साथ है। जीनत, जीनत से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो आप पहचानी ही नहीं जा रही, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही हैं और साड़ी में तो आपकी लुक और वो भी मैरून कलर में बिल्कुल ही बदल गई है। आज आपकी दोस्त और मेरी दोस्त शायरा रॉय का गाना जो है वो रिलीज़ होने जा रहा है, और आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा नहीं हमारा प्रोजेक्ट है, मेरा शायरा का, जान जेब का, और हमने बड़े प्यार से इसको बनाया, और मेरा मेकअप सारा और शायरा के साथ जो प्यार, अभी जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की सारी इतनी टेंशन, इवेंट के लेट भी मैं आ गई और बड़ा मज़े का, आप देख के इंजॉय करोगे गाने को। इस सॉन्ग में आपने शायरा रॉय का मेकअप किया है? हाँ, मेकअप भी मेरा और मज़े की बात है बीच में मैं भी हूँ। ये तो कमाल हो गया कि इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी साथ साथ एक्टिंग भी चल रही है, टिकटॉक्स पे भी आप वायरल हो रही हैं, इसके अलावा फेसबुक में भी, इंस्टा पे भी, हर जगह माशाल्लाह से आप छाई हुई हैं। अच्छा, जो आज का ये सॉन्ग है इसकी क्या उम्मीद है आपको कि कैसा रहेगा ये? माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी थोड़े से लिरिक्स हैं जो सुन के ना इंसान पता नहीं किन इमेजिनेशन में चला जाता है, सो बहुत अच्छा है और सुन के सबको मज़ा आएगा, और जो इसकी स्टोरी बोर्ड है मतलब सब अपने प्यार में चले जाते हैं कि काश मिल जाते ना, और उस लड़की ने हिम्मत की और अपना प्यार जो है ना वो पा लिया था, यानी कि प्यार उसने इस सॉन्ग के अंदर, इस वीडियो के अंदर पा लिया। बहुत शुक्रिया जीनत। एक ना लव स्टोरी है ना जिसको आपने वो बड़ी तरतीब से, बड़े प्यार से, मतलब वो उसमें बूढ़ी भी बनी हुई है, उसमें यंग भी है, उसमें बच्ची भी है, उसमें दुल्हन भी है, सारे उसने सीन किए हैं। ये सब कुछ तो अभी हमें स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा हमें ट्विस्ट जो है वो भी थोड़ा सा बाकी रखना चाहिए, ताकि जो हमारे लोग हैं वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहें कि भाई बहुत अच्छी एक सॉन्ग की जो है वो रिलीजिंग होने जा रही है। बहुत शुक्रिया जीनत कि आपने अपनी राय का इजहार किया, बेस्ट विशेस भी दी शायरा रॉय के लिए, काशिफ अली के लिए भी। काशिफ, आई मिस यू अ लॉट बिकॉज तुम हमारी टीम के हिस्सा थे, और तुम्हें डेंगू की वजह से तुम आ नहीं सके, और तुम्हें अल्लाह सेहत दे, और शायरा लव यू अ लॉट मेरी जान, और मेरा ढेर सारा प्यार तुम्हारे लिए, अल्लाह तुम्हें और कामयाब करे। आमीन। थैंक यू सो मच जीना, थैंक यू। अभी अभी एक ऐसे इंसान ने एंट्री ली है जिन्होंने पाकिस्तान में गाने में तो अपना नाम बना ही लिया है, साथ साथ अब वो कॉमेडी भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, मॉडलिंग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे चैनल्स पे आपको नज़र आ रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद नवाज़, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और आज मैं इनसे पूछती हूँ कि आज इस इवेंट के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम अस्सलाम। हर दफ़ा की तरह मलाइका हर जगह पकड़ लेती हैं, और आज वाकई बहुत ही खूबसूरत दिन है। आज हम लोग बीच में मौजूद हैं सिनेमा में, और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि खूबसूरत लॉन्चिंग होने जा रही है, बहुत ही खूबसूरत गाना शायरा का और काशिफ अली बाबर का, और फर्स्ट टाइम ये बड़े पर्दे पे जो है वो लॉन्च होते हुए हम लोग देखेंगे, और बड़ा एक इंटरटेनमेंट है और बड़ा मज़ेदार जो है वो काम होने जा रहा है। माशाल्लाह पाकिस्तान के सारे जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ मौजूद हैं, और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। तो अहमद मुझे ये बताएं कि आप हमेशा जिस भी इवेंट में मौजूद होते हैं वहाँ पर परफॉर्मेंसेज होती हैं, क्या आज आप भी परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट आप एज गेस्ट सिर्फ बैठ के एंजॉय करने वाले हैं? नहीं इंशाल्लाह जी, मैं भी परफॉर्म करूंगा, और इंशाल्लाह बहुत एंटरटेनमेंट होगी, मज़ा आएगा, मस्ती होगी, भंगड़ा होगा, एंजॉय करेंगे मिलके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच अहमद जी। तो एक और हसीना ने इस इवेंट को ज्वाइन कर लिया है जिनका पाकिस्तान में बहुत ही नाम है, पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में भी ऐसा उनका नाम बनता जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत
बहुत ही स्टाइलिश और एक ऐसी सिंगर मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने होस्टिंग भी किया और इनके शो पे मैं भी गई थी। तो मैं आज सुमन के साथ मौजूद हूँ और सुमन से पूछती हूँ कि सुमन, जो आज का गाना शायरा रॉय और काशिफ अली का रिलीज़ होने जा रहा है, आप उसके बारे में क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग ऑलवेज गॉर्जियस और बहुत अच्छा लग रहा है। इतना खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जीनत ने और आप होस्ट करती हैं, आपको देखकर और ज़्यादा मुझे खुशी होगी, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है मुझे। आई होप, गाना सुना नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है मुझे। इसका एक ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो चुका है और उसमें भी काफ़ी चीज़ें दिखाई गई लेकिन कंप्लीट नहीं दिखाई गई। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आज माशाल्लाह आप इस लुक में इतनी खूबसूरत लग रही हैं, किसका वार्डरोब पहना है आज आपने? आज मैंने वार्डरोब अपना ही बाय सुमन शेख। ज़बरदस्त, आ तो छा गई हैं आप। तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म्स बनती थी और उसके प्रीमियर्स होते थे तो तब बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे होते थे, आज आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा है और वहाँ पे तमाम सेलिब्रिटी गेस्ट, तमाम स्टार्स आए हुए हैं, क्या कहने हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और गाने इसी तरह होने चाहिए, इसी तरह पज़ीराई मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि ये पज़ीराई मिलेगी तो हम और भी अच्छे से अच्छा करेंगे। हमारी कराची की जितनी भी सोशल मीडिया है, हमारा जो अपना जितने भी आर्टिस्ट हैं, ड्रामा एक्टर, वो इसी तरह लॉन्चिंग करते हैं। हमारे लाहौर वालों को भी चाहिए कि सिंगिंग को इसी तरह प्रमोट करें। जी ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आई हैं और इवेंट बहुत अच्छा जाएगा, इसके बाद भी मैं आपसे पूछूंगी। थैंक यू सो मच सुमन जी। तो अभी अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि चाय दोस्ती के ऑनर हैं और मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि रिसेंटली मैं इनके वहाँ पे एक इवेंट में थी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अबू बकर। मैं उनसे पूछती हूँ कि वो इस इवेंट के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। मुझे श्रेया ने इनवाइट किया था और हम स्पेशली उनको बेस्ट विशेस के लिए आए हैं। आई गेस उनका जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था वो हमारे पास ही हुआ था। जी बिल्कुल, मैं बताती चलूँ कि चाय दोस्ती में ही शायरा रॉय और काशिफ अली का ट्रेलर जो था वो लॉन्च किया गया था और वहाँ पर आपको मैं बताती ये भी चलूँ कि वहाँ पर जितने भी हमारे टिकटॉकर्स हैं, हमारे स्टार्स हैं, वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर अब अपने जितने भी उनके इवेंट्स होते हैं वो वहीं पर जाकर करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वाले से, आप क्या कहें? बस ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग वहाँ पे आते हैं और अपने इवेंट्स करते हैं, आप लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हमें भी बहुत खुशी होती है। बर्थडे और आपकी और भी जितने इवेंट्स हैं, हम लोग उनको अच्छे से फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, डिलीवर करते हैं और आई एम थैंकफुल टू यू एज वेल एज ऑल टीम जो हमें ये मौका देते हैं कि हम बार बार आपको ज्वाइन करें और आप बार बार हमें ज्वाइन करें। नहीं नहीं, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप शायरा रॉय की रिक्वेस्ट पर यहाँ आए हैं और तमाम गेस्ट आ रहे हैं ऐसा ऐसा, और मैं इसी तरीके से उनसे भी पूछती जा रही हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जो आज का ट्रेंड सेट हुआ है सॉन्ग का, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या आपने पहले कभी ऐसे देखा है कि सॉन्ग की रिलीजिंग ऐसी होती है? वेरी ऑनेस्टली आई फील सो गुड, पाकिस्तान में ये चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं नॉर्मली बॉलीवुड में ये बहुत ट्रेंड होता है, यहाँ पे ये ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा था, लेकिन शरिया ने एक नया ट्रेंड सेटअप किया है और आई होप सो कि ये सबको बहुत पसंद आएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे रेड कार्पेट पे देख रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज़ आई हुई हैं और आई रियली फील सो गुड, सो गुड। थैंक यू सो मच अबू बकर, आपको तो ए बी के नाम से भी कहा जाता है तो मैं ए बी ही कहूँगी, क्योंकि आपने उस दिन यही बात की थी कि आप मुझे यू कॉल मी ए बी। थैंक यू सो मच ए बी कि आप यहाँ पर आए, आप इवेंट इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होगी। जी तो अभी अभी एक ऐसी लड़की ने ज्वाइन किया है जो कि किसी को भी बोलने नहीं देती, पहले मैंने सोचा कि बाद में बात करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं तब तक इवेंट ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले कि इवेंट ख़त्म हो मेरे साथ है निमरा अली जो हमेशा दूसरों का इंटरव्यू करती हैं, तो आज मैं उनसे इस सॉन्ग के हवाले से बात करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम निमरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसी हो? नज़र आ रही है मैं सबको बहुत प्यारी, माशाल्लाह प्यारी तो आप वाकई में है। मुझे ये बताएं कि शायरा रॉय और काशिफ अली के इस इवेंट के हवाले से, उनके सॉन्ग के हवाले से आप क्या कहना चाहें? मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैंने सॉन्ग नहीं सुना तो मैं कोई भी जज नहीं करूँगी कि सॉन्ग कैसा है कैसा नहीं, सुनूंगी फिर बताऊँगी, लेकिन मेरी बेस्ट विशेज है उनके साथ कि वो और ज़्यादा तरक्की करें और जिनके साथ उनका गाना है वो भी तरक्की करें। शायरा बहुत हम्बल पर्सन है तो मैं चाहती हूँ कि तरक्की करें ढेर सारी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तरक्की भी करेंगी, कामयाब भी होंगी, जब तक हमारी हम सब की सपोर्ट उनके साथ है, सो डेफिनेटली इंसान को मौका इसी तरीके से आगे बढ़ने का मिलता है जब हम उनको सपोर्ट करते हैं। तो अच्छा निमरा, मुझे ये बताएं कि जब लास्ट उनका सॉन्ग का ट्रेलर लॉन्च हुआ था आप वहीं पर मौजूद थी, आपने कुछ तो वहाँ पर देखा होगा ना, कि आपको कैसा लग रहा था वो देखकर? हाँ मैंने देखा था, मुझे एक लव स्टोरी टाइप की नज़र आ रही थी कि प्यार होता है, घर वाले बीच में आ जाते हैं, छीना छपटी होती है, ट्रेन पर चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, मैंने ये देखा था।
तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा है आइडिया कि ऑफकोर्स वीडियो तो बहुत अच्छी होगी लेकिन गाना भी सुनेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह अपना फीडबैक दूंगी। ज़बरदस्त जी, निम्रा ने आज ज़्यादा बोला नहीं, मुझे तंग नहीं किया, लेकिन उसने अपनी राय का इजहार किया। थैंक यू सो मच आप आई और यहाँ पर आकर अपना इंटरव्यू दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू निम्रा। थैंक यू सो मच जी। तो अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे पाकिस्तान का एक ऐसा नाम, एक ऐसे नामवर डायरेक्टर। हमारे बहुत सारे डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी लिस्ट से ज़्यादा ऊपर की लिस्ट के जो हमारे साथ मौजूद है इंसान, नदीम चीमा साहब, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाई हैं जिसमें दिल्ली गेट है, छत्तीसगढ़ है, और मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आज जो इवेंट होने जा रहा है इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया मलाइका जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके वसत से मैं व्यूअर्स को अपना तारुफ भी करूँ। मैं नदीम चीमा, फिल्म डायरेक्टर। आज शायरा राय जो कि इसका लास्ट ईयर भी सॉन्ग रिलीज़ हुआ था कमली, माशाल्लाह ब्लॉकबस्टर हुआ था ये सॉन्ग भी, तो अभी आज दुनिया जो इनका सॉन्ग है उसकी लॉन्चिंग है, तो मेरी बेस्ट विशेज शायरा के साथ हैं। शायरा के साथ ड्यूट में हैं काशिफ साहब। शायरा एक पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत अजाफा है एज एन एक्ट्रेस, एज ए सिंगर। बल्कि मैं आपके चैनल से एक और चीज़ भी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ इश्क आतिश। इश्क आतिश का जो टाइटल लीड एक्ट्रेस हैं वो शायरा राय रोल कर। वेरी नाइस। तो अभी आप इंशाल्लाह 2022 में मेरी फिल्म दिल्ली गेट देखेंगे, छत्तीसगढ़ है और एक 25 लाख, ये तीनों फिल्म इंशाल्लाह रिलीज हो। जी जी, बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं। अच्छा नदीम चीमा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज आप भी देख रहे हैं यहाँ का माहौल, इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी फिल्म जो है वो रिलीज़ होने जा रही है और उसी का प्रीमियर चल रहा है, तो आप इस ट्रेंड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशाइंद बात है, चूँकि कोविड के बाद कोई भी ऐसा इवेंट नहीं हुआ था, तो पहला ये इवेंट है लाहौर में, और शायरा का ये इवेंट जिस तरीके से माशाल्लाह बहुत मीडिया जिस तरह पहुंचा हुआ है, तो मैं शायरा को एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि शायरा का ये जो सॉन्ग है वो भी सुपर हिट होगा और ये इवेंट भी कामयाबी की तरफ माशाल्लाह बेस्ट है। थैंक यू सो मच नदीम चीमा साहब के आपने अपनी राय का इजहार किया, बहुत अच्छा लगा। और इस हवाले से आपने जिक्र भी किया कि भी हमारे इस कोविड की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी थे जो कि नहीं हो पा रहे थे, और जैसे ही कोविड तकरीबन ख़त्म हुआ है तो ये जो इवेंट्स हैं वो स्टार्ट हुए हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप आने वाले नए टैलेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनको उनके लिए आपकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हाँ बिल्कुल मलिका जी, मेरा तो हर प्रोजेक्ट होता है उसमें मैं नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जैसे दिल्ली गेट आ रही है उसमें भी नया हीरो है, नई हीरोइंस हैं, यासर खान एज ए लीड रोल में, जावेद शेख साहब भी हैं, शमून अब्बासी साहब हैं, शफकत चीमा साहब, कवि खान साहब, राशिद महमूद साहब भी हैं, लेकिन नई लड़कियाँ और नए हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसी तरीके से 25 लाख जो फिल्म है उसमें भी असद महमूद है एज एन हीरो और एक नई लड़की अरूज को इंट्रोड्यूस करवाया। दिल्ली गेट छत्तीसगढ़ में मोहम्मद राना साहब हैं लेकिन साथ एक नई लड़की को उसमें भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैं तो हमेशा अपने हर प्रोजेक्ट में नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, चाहे वो एज एन एक्टर हों, एज ए सिंगर हों, म्यूजिक डायरेक्टर हों, फाइट इंस्ट्रक्टर हों, तो हर प्रोजेक्ट में नए से नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जी बहुत अच्छा लगा कि आज आप इस इवेंट में मौजूद हैं और आपने अपनी बेस्ट विशेज जो हैं वो शायरा रॉय और काशिफ अली के लिए दी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक शायरा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे डिज़ाइनर फादी एंड ईमान, जिन्होंने पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है, उनके बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस जो हैं वो बनते जा रहे हैं और सब लोग उसको वेयर कर रहे हैं। आज की जो मेरी लुक भी है वो भी फादी एंड ईमान का जो जोड़ा है वो मैंने वेयर किया हुआ है, और हमारी शायरा रॉय ने भी अभी बताया आपको कि उन्होंने फादी एंड ईमान का जोड़ा वेयर किया हुआ था। सो सबसे पहले मैं फादी एंड ईमान से पूछती हूँ कि इस सॉन्ग के हवाले में वो क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। इस सॉन्ग के हवाले से आप मुझे आप भी बताएं कि आपकी क्या राय है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि जितनी मेहनत की है, जितनी वार्डरोब पे किया, और सबसे स्पेशली जो शायरा रॉय ने एफर्ट किए हैं हम उसे सल्यूट करेंगे। वो खूबसूरत सॉन्ग था तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी की, और जो कुछ है आपके सामने है इंशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने। फादी भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मेरा ख्याल में शायरा रॉय का कमली आया था वो भी सुपर डुपर गया है, हमने बल्कि पोडियम वॉल में रंग की उसकी और बड़ा एंजॉय किया था, और इसका भी उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा जाएगा, और बल्कि शायरा ने इसमें मेहनत भी बहुत की है और वार्डरोब सारी लोगों के मान कर रही थी, मैंने सिर्फ इसका जो वेस्टर्न है इसके ऊपर सारा काम कर रहा था, ये भी जो कर रही है जो आप फाइनली आपने देखी है। इतनी ज़बरदस्त लुक थी, इतने प्यारे कर्स, इतने प्यारे कलर्स, तमाम चीज़ें इतनी ज़बरदस्त गई हैं। मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो आज का उन्होंने ट्रेंड सेट किया है
कि उन्होंने सिनेमा के अंदर एक स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे ये गाना जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा ख्याल है आज तक पहले पाकिस्तान में नहीं हो रहा था, शायरा का दूसरा सॉन्ग है, दूसरा तीस पे लॉन्च हो रहा है और बड़ी स्क्रीन के ऊपर, जारी बात है देखने का मज़ा भी अपना ही है। नहीं तो गानों की लॉन्चिंग इस तरह होती है कि एक छोटे एलसीडी के ऊपर लॉन्चिंग हो रही होती है, जितने भी आप यूनिट्स देख रहे हो, शायरा ने ये ट्रेंड सेट कर दिया है, ये ट्रेंड इसी को जाता है सारा। वो तो जब भी लाती हैं कुछ यूनिक ही लाती हैं, आई थिंक ये भी बहुत यूनिक है और मेरे ख्याल से इसको सभी फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच फादी एंड ईमान, मैं अगेन आपका थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि इतना खूबसूरत जो जोड़ा आज मैंने भी वेयर किया हुआ है ये भी आप ही का है और बहुत अच्छा कट है, मुझे भी बहुत अच्छी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि इतने प्यारे जोड़े में लग रहा है कि सबसे अलग लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फादी एंड ईमान जी। अभी अभी हमें ज्वाइन किया है टिकटॉक की एक सुपर डुपर जोड़ी जिनके बहुत सारे मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आदिल राजपूत एंड फरा आदिल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? और सबसे पहले मैं इनकी वाइफ का तारुफ करवाती जाऊँ जी। फरा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं, तो मैं आप दोनों से इस इवेंट के हवाले से बात करूँगी वन बाई वन। पहले मैं फरा से पूछती हूँ, फरा आज इस इवेंट में आप आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगी कि शायरा रॉय ने जो आज सॉन्ग वो रिलीज करने जा रही है उस हवाले से आपका क्या कहना? आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स सी कि अभी अंदर जाके क्या होता है, और मैं यही बोलूँगी कि उनके लिए बेस्ट विशेज हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे, आमीन। जी आदिल आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं भी एक्साइटेड हूँ कि मैं एक्चुअली ट्रेलर देखा है मैंने, बहुत अच्छा है, तो मेरा टीजर जो है ना, मैं अब चाहता हूँ कि फुल सॉन्ग देखा जाए, तो हमारी बेस्ट विशेज है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे, आमीन। जी बहुत शुक्रिया आदिल एंड फरा, मैं आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम। और उन्हीं के साथ ज़ादे ने जो गाना है आज का डायरेक्ट किया है, उनका नाम है जाज़ेब यूजी। अच्छा लोग कहते हैं ना, अच्छा लोग कहते हैं कि ये यूजी क्या है, यूजी ये उस्मान वाली है जिनके साथ ज़ादे हैं, और जाज़ेब का काम बोलता है, मैंने सॉ द टीज़र्स, मैंने सॉ द प्रोमोस, आई वाज स्टंड कि यार ये लड़का इतना अच्छा था, और इनके बढ़वा ये सारी यूजी ने पहले शानदार काम किया था तबली ने, इट वॉज नाइस। Then we have the editor or in the house, Shuja, Yuki, who is the professional, and the whole team is here. But thanks to Ali Baba Sahab from Japan, and then thanks to the Usman Awari Sahab, and then how can I forget the special VIP guest, Suhail Afandi Sahab, whose presence we have here, and we are very, very thankful to him. So then, now this evening is beautiful. और जो मैंने आगे चले मुझे अभी इशारा दिया जाएगा गाने को अनवीत करने का, मैं दावत दूंगा एक हसीना को जिनकी आवाज तो खूबसूरत है लेकिन जब वो मतलब वो दिखती तो बहुत खूबसूरत है अभी, लेकिन जब वो गाती है तो फिर और भी कमाल कर देती है। हम सब की, आप सब की बहुत ही सुपर हिट आवाज जो आज यहाँ मौजूद है, द स्किंटिलेटिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान, लेट्स इनवाइट इन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमन। आ जाइए सुमन प्लीज स्टेज से, वहां से उतरिए। I'm gonna make you mine.
Yeah.
बहुत मस्ती है और थोड़ा बहुत रोमांस। क्यों भाई? माधुरी जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो देख रही हैं हमें। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया और सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाएं। कम ऑन, यहाँ मेरा सपोर्ट करने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग एवरीवन। आप लोगों के बिना मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ और मैं कोई सितारा नहीं हूँ। अगर आप मुझे सितारा नहीं बनाते तो Yeah.
इंस्पिरेशन लेके मैं यहाँ पर वापस आऊँगी और उसके अंदर मैं उस सच लोगों को मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने आपको खूब साथ दिया। सबसे पहले इनको कॉमेडी से रिलेटेड बात करते हैं, मेरे साथ गोया है, शी वाज गिविंग माय डियर फ्रेंड इज़ अमेजिंग।
अब हम ले जा रहे हैं अवार्ड फॉर द अमेजिंग डुओ फादी एंड ईमान. प्लीज टेक टाइम माइक दे दीजिए. तो आज माइक मेरे हैं आपके होते हैं एक बार माइक तो और या लेकिन अच्छा लग रहा है थोड़ा सा. अच्छा दीना वेलकम दीना. इससे अच्छा हो नहीं सकता था कि मैं फादी ईमान के साथ ही ऑन स्टेज आऊँ बिकॉज जब वॉर्डरोब की बात की जाती है तो बाकी लोग कहते हैं कि यार क्या वॉर्डरोब है ना, बट उसमें इतनी मेहनत इतना यू नो टाइम लगता है, टेक्सटाइल लगता है, द हार्ड वर्क, द डिजाइन, द क्रिएशन, द एंटायर लेबर, स्टिचिंग, एवरीथिंग गोज टू द पीपल हु आर बिहाइंड द मास्टर माइंड दैट इज दिस टू पीपल हियर. इन्हें एक खूब तालियां उधर तक. तो मुझे मजा नहीं आ रहा यहाँ पर. Thank you so much to you people. They deserve a great applause to everybody. Thank you so much for your skills and your energy. Chandni. Assalamu alaikum. Sab bhaiyon ko. Main koi zyada nahi bolunga. Mera dusra ya teesra experience hai shayad ke saal. Ek family member ki tarah. Thank you. बाबा जी क्या बात है, आप हमेशा मेरे साथ होते हैं. अमर भाई जी, नील भाई जी, वसीम खास तौर पे जिसकी गोली से मैं शहीद हुई थी और बहुत जल्दी तुम्हारा फायदा भी होने वाले हैं. कैसे जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आने वाले वक्तों में. तो आइए जरा वसीम वाली तालियां गाएं जल्दी भाई. वन मोर टाइम. This is what I wanted. ये देखो. ये 36 मुल्कों की, ये 400 मुल्कों की पुलिस इनके पीछे पड़ी है. Because इन्होंने मुझे मारा था कैंटीन और उसका बदला हम पब्लिक रूम में से लेने गए. अब मैंने आपको स्क्रीन पे शाउट करती हूँ ऑलरेडी. So thank you so much फादी अरमान for being here. और तो बहुत सारा शुक्रिया. मुझे आज हमारा सेकंड एक लॉन्चिंग साथ में होने जा रही है दुनिया की लॉन्चिंग. और इससे पहले कंपनी में मुझे तो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करके देख चुके हैं. छत्तीसगढ़ की मूवी आ रही है लॉट ऑफ इन्फॉर्म कमिंग एंड ये सब बात की थी यहाँ पे आ रहे हैं इसे बातें सुनना चाहती हूँ. इससे पहले कमली में जैसे कि सारा ने बताया कि कमली में मैंने अजय विलन का थिएटर किया और ये देखा और ये देख कर बहुत खुशी हुई. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी एक सारा ने का जो प्रोजेक्ट है कमली टू उसमें भी नेगेटिव कैरेक्टर के लिए उन्हें मुझे चुना है. तो इंशाल्लाह कि मैं कोशिश करूँगा अच्छा अपना कैरेक्टर निभाने की. अभी मेरी सबसे सेट फिल्म है दिल्ली गेट है, ओला जेट है, एक इंडिया की फिल्म की है मैंने कोविड उसमें सिक्कर कैरेक्टर ले लिया है. तो वैसे ही ऐसे ही काम चल रहे हैं. कोविड था अब कोविड चला गया इंशाल्लाह इतने दो तीन फिल्में नहीं लग रही आप देखेंगे मुझे अब देख लें जो फिल्में नहीं आ रही मैंने क्लीन शेव रखा कोविड में मैंने दाढ़ी रख ली थी तो उनके गाने में मैंने परफॉर्म की तो मैंने अपने आप को देखा कि यार अच्छी लगती है. तो इसको कंटिन्यू रखे दाढ़ी को
तो शायरा मेरी बेस्ट विशेज है आपके लिए, आप ऐसा काम करें और इंडस्ट्री के लिए काम करें। और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि आपने प्रीमियर म्यूजिक वीडियो का भी किया, मैंने नहीं कभी देखा, बट ये मैंने देखा, मुझे यस यस हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, चाय दोस्ती अगर आप जाते हैं, वी ऑल लव द टी ऑफ चाय दोस्ती, आई लव द एमबीएस हां, तो जो रूह रवा है चाय दोस्ती के, अबू बकर इज राइट फॉर योर राइट, हियर राइट इज माय स्पेशल वेन्यू पार्टनर चाय दोस्ती, आई लव द प्लीज आने होने चाहिए आपने बहुत ज्यादा अल्लाह की मेहरबानी है, इनके ऊपर धर्म है,
क्या बात है, क्या चाहिए गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए?
बेस्ट टिकटॉक कपल ऑफ द ईयर. ओह माय गॉड, एक अवार्ड हम लोग देने जा रहे हैं. आदिल और फरहा को हम स्पेशल अवार्ड देने जा रहे हैं फॉर द बेस्ट टिकटॉक कपल ऑफ द ईयर. आदिल को रोज जल्दी से आ जाओ, वो अवार्ड मिल गया आप लोगों को. बेस्ट टिकटॉक यू प्लीज. अब नेक्स्ट कपल आदिल और फरहा विद मिलियंस ऑफ फॉलोइंग्स. आप लोगों को इतना प्यार मिले लोगों का कि हमने फैसला किया है कि आप लोगों को अवार्ड दिया जाए. और दैट होता है the best couple on TikTok, liking snack, the sensational couple of the year is none other than Adil. And now I would like to call on कौन है ये तो है आपकी ग्रूमिंग पार्टनर. जी हां बिल्कुल, वी हैव ए ग्रूमिंग पार्टनर फॉर द
trailer launch and she was there for the today amazing thing. You know, she was there. और इतना ही हमारे सेशन से सर लगता है आपको टाई ऑन से सेशन मिलती है और मैं इस तरह आप इन सेशन से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि ये जो सेशन मैं चाहती कि आप उस सेशन को बनाएं मिस गाफ्रा कैन आई हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस गाफ्रा हे गाइस और मिस शेस फ्रॉम स्टेसी आई बाय एनी जो स्टेसी ग्रूमिंग एंड मेकअप पार्टनर है दुनिया के लिए. My God, the dress is amazing. The dress is she's amazing. तालियां मुझे अब सुनाई दे रही हैं. इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं. अगर पूरे हॉल में अगर हम best dress award दें, तो जरा जाएगा female का नाम. Nice. आज ये award जो है ये हमारे chief guest और हमारे film industry के fashion designer, लेडी fashion designer से हम आपको award present करवा रहे हैं. Mr. Usman Gauri, thank you so much for being the amazing partner and Dr. Blonde, you are the blonde queen. I would like to say that. Please have your award here. And I would like to say before the award that she's an amazing person. I love working with her. She took me into number one. It was so real. It was so real. It grew natural feelings to me, human related feelings to me. I am impressed by you, and I wish you all the best. Round for her, guys! And round of applause for her! Please, please, round of applause for her as well. And I would like to call my team, Stacey I team, Jami and please, shortage of time, yahan aaiye. Aap sabne bahut help ki hai, and they are amazing. Ji, Aneel, Benny, Sana, please, can I hug you? Thank you. In a round of applause, please. Round of applause. Talia. That makes sense. Exactly. Yeah, thank you so much. Yeah. She's such a gorgeous queen. And mujhe, you know, itna pyar hai in logon se do mila paate hue kehti. Ki sanat se zara mil chuki hu. Doctor se main do baar mili hu. But I feel like ye itna mujhe pura पता चलेगा कि जब कोई तकलीफ देता है तो कितना
क्योंकि मेरे भी कुछ आगाज ऐसी ही चीज से हुआ था कि मैंने तो घर जब छोड़ा था मेरी 8 साल एज थी तो मुझे भी मेरी जिंदगी का आगाज ही फुटपाथ से स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैंने तीन रातें फुटपाथ पे गुजारी थी सो क्योंकि मैंने कभी किसी के आगे यूं नहीं किया अभी तक और मतलब किसी को बिना कराए मैं तो और कुछ ऐसी चीज थी जो एक मेरी जिंदगी को खत्म करके रख दिया कि मैं यहाँ अपने आप को खत्म कर लूँ मैं जिंदा रहूँ क्योंकि एक हम लोग डांस के फंक्शन करते थे लोगों की शादियों पर जाकर परफॉर्म करना और एक वायलेंस हुआ मेरे साथ की पूरी रात मुझे सड़क के ऊपर बारों से घसीटा गया था और मारा गया था मौजूद के इनके हाथ में तो जिसम का हिस्सा रहता है जहाँ पर कोई निशान ना पड़े और वो रात एक मेरे लिए क़यामत थी। तो वो जब रात गुजरी तो मैंने सोचा दुनिया छोड़ू जाना छोड़ू फिर मैंने कुछ टाइम सोचा कि लड़ने में नहीं लड़ना चाहिए। पहले मैं पुलिस स्टेशन से आगे से गुजरती तो मुझे डर लगता था मैं डरती थी मुझे फोबिया था। फिर मैंने जब ताकत अपनी को अपने अंदर से बाहर निकाला तो मुझे लड़ने की ताकत आई तो जब मैं किसी पुलिस स्टेशन में जाती तो वो कहते कि यार खैर कर दीगर आना क्यों आ गई। पूरे पाकिस्तान में रहकर चीज़ों को किया फिर लोग मतलब लोग कई उनको लाया सबसे पहले मुझे डेनमार्क में लाया पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए फिर उसके बाद सबसे पहले किसी ने मदद खिलाई और मेरी टेस्ट में गया फिर ऐसा एक्टर भी काम किया दुनिया का अभी तक पहला थिएटर है जिस थिएटर में मैंने परफॉर्म किया उसमें सच्ची कहानी थी और मेरी जिंदगी कुछ कहानियाँ थी उसका नाम है थर्ड ट्यून। पहली दफ़ा लाहौर में हुआ था फिर हम लोग अमेरिका कर ले गए येल यूनिवर्सिटी में और टेक्सास यूनिवर्सिटी में फिर हमने इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी में किया एल सी ब्रिंदी में किया फिर लाहौर अब हमारा भी दो दफा हो चुका है। तो थैंक यू सबका शुक्रिया। तो जो हमारी शायरा है मेरा ख्याल है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ इसके बारे में तो शायरा हमारी जो है ना इसी तरह जो हमारी यूथ आ रही है हमारे बच्चे ट्रांसजेंडर आ रहे आप लोगों को किसको और चाहिए हमें क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे उसको आगे तो उसमें और ताकत आएगी कि मैं और चीज़ें करूं तो उसको देख के और बच्चे संस्कारित होंगे तो वो आगे आके काम कर सकेंगे आप लोगों के साथ। शाना बशा थैंक यू। मैं बहुत शुक्रिया आपको बस यही दुआ है मेरी के सितारों से रोशन खुदा तेरी तकदीर बना दे। और ये स्पेशली लाइन्स लाहौर वालों की नजर है ये स्पेशली लाइन्स लाहौर वालों की नजर है कि जरूरी तो नहीं हीर का शहर जंग हो जरूरी तो नहीं हीर का शहर जंग हो मुर्शिद यार का शहर लाहौर भी तो हो सकता है। थैंक यू सो मच। मैं वापस नहीं जा रही हूँ
Yeah.